हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपसे एक शॉपिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कि एक इंटरनेशनल वेबसाइट से है। वेबसाइट का नाम है bangoo.com और यहाँ से मैंने एक एक्शन कैमरा ऑर्डर किया है जो जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा है। वो अलग यूँ रहा है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कभी ज़्यादा कभी कम ये होता रहता है। मतलब दिन में कुछ और प्राइस था, रात में कुछ और प्राइस है, और प्राइस डिफरेंस 100-200 या फिर 1000 रुपये का नहीं, 5-6 हज़ार रुपये का हुआ करता था। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो शुरुआत यूँ होती है कि मुझे एक एक्शन कैमरा ख़रीदना था। एक्शन कैमरा में बजट एक्शन कैमरा मुझे SJCAM का लगा और SJCAM का लेटेस्ट लॉन्च है आपका SJ8 PRO है आपका, SJ8 Plus भी है, उसमें आपका एयर भी है। तो एयर वाला वर्जन सबसे लो है और हाइस्ट मॉडल जो है आपका SJ8 PRO। तो वो प्रो मैंने थोड़ा सा बजट से ज़्यादा मुझे लग रहा था क्योंकि इंडियन वेबसाइट्स पे मुझे उसका प्राइस 29,000 दिख रहा है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, और बैंगूड या फिर बियर बेस्ट पे मुझे उसका प्राइस दिखा 18,000 to 20,000। तो मेरे बजट से थोड़ा सा वो ज़्यादा था। तो फिर क्या मैंने कि प्लस को ख़रीदने का सोचा जो कि 13,000 में मुझे मिल रहा था। फिर मैंने थोड़ा दिन वेट किया कि चलो देखते हैं कुछ कूपन वगैरह मिल जाए कहीं से तो उसको मैं ऑर्डर कर दूँ। फिर एक दिन शाम में मैं देखा, इनफैक्ट रात में मैं ब्राउज़ कर रहा था तो वो मुझे प्रो वर्सन 13,000 मुझे गियर बेस्ट पे दिखा। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने दूसरे साइट्स पे चेक किया, क्रॉस चेक की, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये डुप्लिकेट हो सकता है। फिर उस दिन मैंने ऑर्डर नहीं किया। फिर मैंने बैंगलोर के कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करा और उसके कन्फर्मेशन लिया कि ये डुप्लिकेट प्रोडक्ट तो नहीं है। उन्होंने बताया कि ये नहीं, ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आप ऑर्डर कर सकते हो। फिर मैंने अगले दिन जब वापस चेक किया तो इसका प्राइस वापस 18,000 हो गया। फिर मुझे लगा चलो ये कुछ तो डील चला गया मेरे हाथ से भाई। फिर एक दो दिन बाद मैंने रात में जब फिर से ट्राई किया तो उसका प्राइस फिर से कम हुआ। जब कम हुआ तो इस टाइम मैंने ऑर्डर करा, और ऑर्डर करने से पहले मुझे एक कूपन मिल गया था। जो कूपन अप्लाई किया तो इफ़ेक्टिव प्राइस मुझे 13,000 से भी कम, इनफैक्ट 12,000 से भी कम पड़ा था। 13,000 प्राइस था, उस पर 1500 के आसपास मुझे कूपन से ऑफ मिला तो 12,000 मिल गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रोडक्ट का प्राइस अभी क्या दिखा रहा है और जब से मैंने ऑर्डर किया है तब से क्या चल रहा है। ये ज़रूरी है आपके लिए, देखो आपका फ़ायदा हो सकता है यहाँ से। चलो मैं पहले आपको क्रोम में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे गियर बेस्ट खोल लेते हैं। गियर बेस्ट ऑलरेडी खुला हुआ है यहाँ पे, ये आपका गियर बेस्ट पे, और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी इसका प्राइस अभी देख सकते हो 18,731 के आसपास दिख रहा है। बैड रैम मैनेजमेंट के कारण से ये फिर से रीलोड हो रहा है। तो आपने ये देखा, और इसका मैं और दिखाता हूँ कि और साइट पे क्या प्राइस है। चलो गूगल पे मैंने ये सर्च किया तो ये आपको अमेजोन इंडिया पे जो प्राइस दिख रहा है 11,490 का, ये सबसे एयर वर्जन का है, जो सबसे लो वर्जन है, वेरियंट है उसका है। फिर आपको बैंगलोर पे देख लो, ये जो दिख रहा है प्रो वर्जन स्मॉल बॉक्स है, और इसका जो आपको एक्सेसरीज़ के साथ लोगे तो 20,000 के आसपास आपको मिलेगा। और ये जो देखो प्लस वर्जन जो है अभी भी यहाँ पे दिख रहा है 13,000, और फ्लिपकार्ट पे ये जो 10,000 दिख रहा है ये भी आपका एयर वर्जन है। तो ये जो फ्लिप मैं जो ऑर्डर किया हूँ प्रो वर्जन, वो 29,000 के आसपास है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने ऑर्डर किया है इसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप देख रहे हो 6 जुलाई को रात का 12 बजने वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट में ऊपर देख सकते हो, इसका प्राइस 13,000 के आसपास है। फिर देखो 8 जुलाई को दिन के 2:42 पे इसका प्राइस 18,000 हो गया है। फिर ये किस डेट का है, 11 जुलाई को मुझे बेंगलुरु से एक मेल आया था, प्रमोशन मेल, उसमें मुझे $189 के आसपास इसका प्राइस दिखाया गया था जो कि इंडियन रुपीज़ में आपको 13,000 के पास आसपास ही पड़ेगा। फिर कल शाम में मैंने ये प्रोडक्ट मैंने जब सर्च किया तो जो मेरा स्मॉल बॉक्स था जो सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हो वो तो 13,000 कुछ रुपये का ही है, लेकिन जो फुल बॉक्स है जिसका प्राइस 19,000 के आसपास रहा करता था तो वो 13,823, तीसरा प्रोडक्ट आप ऊपर से देख सकते हो ये है। और यहाँ पे एयर वर्जन जो है सबसे लास्ट में दिख रहा है वो 7,574 में मिल रहा है, जो कि इंडियन वेबसाइट पे आपको जनरली 10,000 या 12,000 के आसपास मिलेगा। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि इंटरनेशनल साइट से शॉपिंग करने के बाद आपको हो सकता है बहुत सारा कस्टम्स देना पड़े या फिर सामान डैमेज हो जाएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो वैसे इसके लिए सॉल्यूशन है सामान डैमेज के केस से बचने के लिए, आप कर सकते हो कि आप इंश्योरेंस करवा लो। अगर उस केस में अगर डैमेज होता है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा या फिर दोबारा दूसरा प्रोडक्ट शिप करेगा वो आपका सेलर।
और कस्टम की जहाँ तक बात रही तो आपको देखना पड़ेगा कि कस्टम के साथ भी अगर ओवरऑल प्राइस आपका कम पड़ता है इंडियन वेबसाइट से, तो आपको इंटरनेशनल साइट से बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि कस्टम कोई डिज़ाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देखना है ओवरऑल प्राइस। अगर ओवरऑल प्राइस कम है तो आप इंटरनेशनल साइट के साथ जाओ, अगर ओवरऑल प्राइस ज़्यादा है तो आप इंडियन वेबसाइट से ख़रीद लो, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस को एक कस्टम चार्ज आपको ये फिलअप कर पाएगा, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है 12,000 और 29,000 में। मैंने 12,000 पे किया है, अगर इस पर मुझे 50% भी अगर देना पड़ेगा फिर भी मुझे 18,000 में मिल जाएगा प्रोडक्ट हाथ में, लेकिन जो कि मेरे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ज़रूर, लेकिन इंडियन साइट पे तो मुझे 29,000 देने पड़ते सेम प्रोडक्ट के लिए। तो कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप इंडिया डायरेक्ट मेल अगर शिपिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप कस्टम से बच सकते हो, तो मैंने वही शिपिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मेरा प्रोडक्ट अभी दिल्ली पहुंचा है, देखते हैं कब तक मेरे पास पहुंचता है वो। जैसे ही पहुंचता है तो मैं बताऊंगा कि कस्टम क्या लगा या फिर कस्टम से बचे हुए मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, वो एक्सपीरियंस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।